आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 एडिशन एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें ऐड करना है, तो देखते हैं ऐड कैसे करेंगे हम। ये पार्ट में हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं, हमें इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे जिससे हमारी एडिशन गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं। ए पार्ट 5, 5, 6, 7। सबसे पहले हम जो हमारा पहला नंबर है उसको लिखेंगे 5, 5, 6, 7। इसके बाद जो दूसरा नंबर है ये है 328। तो 328 को हम इधर से लिखना शुरू करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। कभी भी हम इधर से इधर आंसर नहीं लिखेंगे अपना। तो देखिए 328, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा वंस प्लेस पर। इसके बाद जो इसमें 2 है वो इधर आ जाएगा, और जो 3 है वो इधर आ जाएगा हंड्रेड प्लेस पर। अगला नंबर है 771। तो 771 को हम यहाँ पर लिखेंगे फिर से, तो 1 इधर आ जाएगा, फिर 7 और 7। अब देखो हमने अपने तीनों नंबर्स कॉलम्स में लिख लिए। इसको हम बोलेंगे कि हम सबसे पहले इनको कॉलम्स में लिखेंगे, एक के नीचे एक डिजिट। जो जगह रह गई है यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं इस तरह से, जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे होगा ऐड। अब देखिए इसको हमें ऐड करना है। चलिए अब ऐड करते हैं। 7 और 8 15, 15 और 1 16। 16 का 6 कैरी 1, वो इधर आ जाएगा। 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 7 फिर से 16 आ गया। 16 का 6 कैरी 1। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 7 अगेन 16, 6 कैरी 1। 5 and 1 6, 6 plus 0 6, अगेन 6 plus 0 6। तो हमारा आंसर आ गया 6666। तो इस तरह से हमने ऐड करना है। सबसे पहले हमें लिखना आना चाहिए कि लिखना कैसे है। अगर लिखने में हम सही कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2842। तो सबसे पहले इसको उतारते हैं 2842। और जब हम लिखेंगे तो हमें इनको थोड़ा सा दूर दूर लिखना है, सो दैट कि लिखने के समय हमारी कोई गलती ना हो। नेक्स्ट नंबर है 1369। तो ये आ जाएगा 1369। इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, ये 3 डिजिट वाला नंबर है 432। तो 432 को हम कैसे लिखेंगे, 2 फिर 3 और फिर 4। अब एक जगह रह गई, इसमें हम 0 लगा देंगे। अब हम इसको ऐड करते हैं। देखिए 9 plus 2 11, 11 और 2 13, 3 carry 1। 4 और 1 5, 5 plus 6 11, 11 और 3 14, 4 carry 1। अब ये लाइन ऐड करनी है। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 6 carry 1। 2 and 1 3, 3 और 1 4, 4 plus 0 4। तो हमारा आंसर आ गया 4643। तो इसी तरह से हम इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं CDEF, ये सभी इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये पार्ट्स आप इसको ट्राई करेंगे तो आपसे इजीली हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये है ऐड। तो ये भी ऐसा ही है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर प्लस का साइन लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉमा लगा दिया है। तो चलिए इसका एक पार्ट हम देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है, ऐड करना है हमने यहाँ पर। तो ऐड फर्स्ट पार्ट है 6307, देन 21402, 111000 एंड 260। तो इसको हम ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारा ए पार्ट है
6307 21402 111000 एंड देन 260। तो अब देखते हैं इसे कि हम ऐड किस तरह से करेंगे। चलिए सबसे पहले एज यूजुअल फर्स्ट नंबर को लिखते हैं, ये है 6307, ये हमने लिख दिया। अब हमें कॉलम्स में लिखना है एक के नीचे एक सेकंड नंबर 21402। तो यहां से शुरू करेंगे लिखना, 2 इधर आ जाएगा, 2 के बाद जो 0 है वो इधर आ जाएगा, 0 के बाद 4 है वो यहाँ आ जाएगा, ये 1 है ये इधर आ जाएगा, और ये जो 2 है ये यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर अगेन 0 यहाँ पर आएगा, ये वाला जो 0 है वो इधर आएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, दूसरा 1 यहाँ आ जाएगा, एक और 1 है वो इस तरफ आ जाएगा। नाउ 260062, ये हो गया। अब हमें इसको ऐड करना है, तो इसमें हम ऐड का साइन लगा देते हैं। अब देखिए अपने क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए जहाँ पर जगह रह गई वहाँ पर हम 0 पुट कर देते हैं। जैसे 10 इधर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ऊपर भी लगा देते हैं, जिससे कि सभी कॉलम्स के नीचे हर डिजिट हो, हर डिजिट के नीचे हर डिजिट आ जाए। ये देखिए इससे कैलकुलेशन में गलतियाँ नहीं होती हैं। तो चलिए देखते हैं, 7 + 2 9, और ये तो 0 ही है तो 9 आ जाएगा आंसर। ये 0s हैं, ये 6 है तो यहाँ 6 आ गया। इसको करते हैं 4 + 3 7, 7 + 0 7, अगेन 2 9, 6 और 7 और 8, 2 और 1 3, और ये है 1। तो देखिए हमारा आंसर आ गया 1 3 8 9 6 9। और इसको हम कैसे रीड करेंगे देखते हैं। 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000 lakh, तो ये हो गया 1,38,969। तो कोई भी नंबर है, चाहे वो 3 डिजिट नंबर को 4 डिजिट के साथ ऐड करना है या 5 डिजिट के साथ ऐड करना है, ये वाला मेथड हम फॉलो करेंगे कि कॉलम्स में लिखना और फिर हम अपने क्वेश्चन को ऐड करेंगे, तो हमारी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब इसके बाद देखते हैं इस चैप्टर में दो वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 350 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। एक ट्रेन है वो ए सिटी से लेके बी सिटी तक जाती है, कितना डिस्टेंस है, 350 किलोमीटर। उसके बाद 564 किलोमीटर जाती है वही ट्रेन फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी, फिर बी से सी तक जाती है 564 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस डज द ट्रेन ट्रेवल, हमें बताना है कि ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। तो कैसे करेंगे इसे, यहाँ पर देखिए हाउ मच डिस्टेंस डज द ट्रेन ट्रेवल, इसका मतलब हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बोला है फाइंड करने के लिए कि ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ऐड। अब इसमें लिखते कैसे हैं, तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये क्या है, ये ए सिटी से बी सिटी तक डिस्टेंस है। तो पहले ए टू बी, आप स्टेटमेंट के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक फिक्स्ड स्टेटमेंट ही लिखना। जैसे आप इसमें लिख सकते हो आंसर 3 में, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ये लिख लेते हैं हम, और ये हमारा जो है हमें क्वेश्चन में गिवन था ए टू बी तक का डिस्टेंस, यहां देखिए 350 किलोमीटर, तो ये इधर आ जाएगा 350 किलोमीटर। सिमिलरली अगला है डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, अब बी से लेके सी तक ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, यहां देखते हैं 564 किलोमीटर, तो ये इधर आ जाएगा 564 किलोमीटर। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, हम इसको ऐड कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो देखते हैं कितना आएगा, 4, 6 + 5 11 का 1 कैरी 1, 5 और 3 6 7 8 और 1 9, 914 किलोमीटर। तो ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 914 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 6621 बॉयज, 6621 बॉयज एंड 4321 गर्ल्स इन ए स्कूल।
एक स्कूल में इतने बॉयज हैं इतने गर्ल्स हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर? तो ऑल टुगेदर मीन्स टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं उस स्कूल में, तो कितने हो जाएंगे? सिंपल है, दोनों को आप ऐड कर लोगे। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, ये आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड देन वी विल ऐड। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिए, इसकी स्टेटमेंट लिखिए और फिर आप देखिए कि आपसे ये इजीली हो जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें हमने एडिशन सीखा कि एडिशन कैसे करेंगे और एडिशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कैसे करेंगे। थैंक यू।